हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस फुटबॉल इज ऑफिशियली बैक और पिछले दो तीन दिन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल, चीज़, चीज़ चल रही हैं फुटबॉल में ठीक है बार्सिलोना वन फर्स्ट थिंग दैट रियल रियाल लॉस्ट पॉइंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सुंदर चीज चेल्सी लॉस्ट अगेन और ये सब चीज अगर चल रही है तो देर इज ओनली वन इमोशन दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज हैप्पीनेस मैं बहुत खुश हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया के मैच के बारे में रियल मैड्रिड वर्सेस मायोरका के मैच के बारे में की क्या बाबे का लाली का डेब्यू और थर्ड टॉपिक हमारे होने वाला है अबाउट द प्रीमियर लीग चेल्सी लूजिंग टू मैनचेस्टर सिटी टूनल जब ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते लेट्स मूव टू आर टॉपिक्स फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ इज चेल्सी वर्स इज मैनचेस्टर सिटी एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट द गेम आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनजो फर्नैंडिस जो उसका सीजन स्टार्ट हुआ है जो स्टार्ट होने से पहले भी जो कॉन्ट्रवर्सी थी उसके अराउंड रेसिस वगैरह को लेकर आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर द गई इज अंग टैलेंट इज अ वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर बट जो उसके अराउंड मीडिया जो उसके अराउंड यू नो टॉक सोरी दे आर नॉट वेरी प्लीजेंट एंड वी आर नो इज क्वालिटी हमने वर्ल्ड कप में देखा है ठीक है हमने बनफीका में उसकी क्वालिटी देखी है एंड यू कॉट डाउट हिज क्वालिटी एज प्रूवन हिमसेल्फ इनफ सो फार और आई आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम भाई चेल्सी में उसके पास आम बैंड है उसकी जो टीमेट्स के साथ यू नो बहसू योगी उस रेसिजम वाले इंसिडेंट के बाद पता नहीं कौन टीम था जो ट्विटर पर डाल रहा था कि स्टॉप दिस दे मेड अ बिग डील आउट ऑफ इट और एंड की गलती भी आई एम नॉट सेंग दैट ही वज यू नो इनोसेंट और लेकिन इट्स अ टॉपिक फ्रॉम द पास्ट सब कुछ रिजॉल्व है हमने उसको देखा है काइंड ऑफ kind of, लोगों के साथ एंगेज करते हैं एंड ही डजेंट सीम लाइक अ रेसिस्ट गाय वो एक एक्साइटेड में उसने बोल दिया होगा जो भी इट वॉज अ मिस्टेक ऑन इज एंड बट दे शुड जस्ट बेरी इट और भाई उसको कैप्टन आम बैंड भी दिया है, और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो भी है ही इज वन ऑफ द हाइएस्ट पेड साइनिंग और जैसे उसकी कल परफॉर्मेंस थी इट वॉज डिस्गस्टिंग बाई ही इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट ही इज़ नॉट फीलिंग एट होम एट चेल्सी और कल जो उसकी पोजीशन थी मेरे को लगा कि ही वॉज प्लेइंग अब बिट एडवास और जो उसकी कल परफॉर्मेंस भी थी ही वॉज इजिलीली वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर ऑन द टीम ठीक है और आप चेल्सी को देखते हो ना ऑब्वियसली दे आर इम्प्रूविंग पॉचिटीनों के अंडर भी दे इंप्रूवड और अभी भी जो पहली गेम थी सीजन की यू फेल्ट समथिंग कि उस टीम में कुछ तो बात है ठीक है बट जब आपका स्ट्राइकर निको विलियम्स हो मैनचेस्टर सिटी वाज जस्ट टू प्रोफेशनल भाई उनके पास हाल है ही वाज योर प्रोफेशनल गोल स्कोर ही इज द किलर वो आया इट वाज अनदर डे इन द ऑफिस फॉर हिम और उसने गोल मार दिया ठीक है चैल्सी बहुत अच्छा खेल रही है दरअर ओवरऑल गेम प्ले इज़ गुड इट्स फिनल मेरेस्का की अच्छी गेम थी पहली ऑफिशियल बट इफ दे इफ योर स्ट्राइकर इज नीको विलियम्स भाई यू आर प्लेइंग फॉर नथिंग बिकॉज आप कुछ भी लो, आप कितने भी चांसेस क्रिएट लो, इफ ऑल ऑफ दम या मोस्ट ऑफ दम आर फोंग टू आर बाउंड टू बेस्ट इज अ ग्रेट प्लेयर आई आम नॉ संगट इज अ बैड प्लेयर इज अ गुड प्लेयर ठीक है बट इज अस गाय नाइस गाय डों बिकम गुड स्ट्राइकर्स गुड स्ट्राइकर बनने के लिए यू नीट टू अलर यू नीट टू बी असन आपके पास अपॉर्चुनिटी यू जस्ट बेर यू नीट टू ब किलर यू नीट टू हैव दट इगो ब्लू लॉक के साथ आई एप सल्यूट्री स्ट्राइकर को भाई अपने को बैक करना चाहिए हमेशा और निको विलियम्स जो वो वन ऑन वन पोजीशन में होता है जो वो गोल स्कोरिंग पोजीशन में होता है यू नेवर फील लाइक ही विल स्कोर सेम प्रॉब्लम के साथ है तो यही दोनों दिक्कतें हैं जो और Chelsea, similar, जो और चेल्सी सिमिलर फेस कर रही ठीक है बट अगर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी की भाई तीन अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से फर्स्ट वन कोवर्चीज कुकिंग इन दैट मिडफील्ड और भाई आईरोनिक है कि चैलसी ने उसको बाहर निकाला बिकॉज दे वॉन्टेड टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट फॉर द फ्यूचर बट ही देयर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भाई ही रनिंग सर्कल्स अराउंड एंजो फर्नांडिस है ना ही वॉज ओनिंग द होल मिड टू बी इन्वॉल्व मोर इन द गे जीजूस के साथ अगवैर को बेंच करता था बट ही सो कि मैं जब ऐसे स्ट्राइकर्स को खिलाता हूं आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस इन मॉडर्न फुटबॉल तो उसने हार्लैंड को बुलाया एंड ट्रेवल विद हम और भाई ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर्स ऐसे स्पेशलिस्ट्स, स्पेशलिस्ट डोकू जो है बहुत एक पर्सनालिटी वाला प्लेयर और पैप के साथ हम देखते नहीं ऐसे प्लेयर्स यूजुअली और डोकू उसके अंदर फ्लरिश है तो दिखाता है कि पैप हैज चेंज सेम विद हाललैंड वो बिल्कुल आपका ओवरऑल गेम प्ले उसका इतना अच्छा नहीं इतना रिफाइन नहीं है हीज़ जस्ट अ पोचर और पैप हैज गिवन एम ए चांस उसने बेच दिया एलवरेस को विच वॉज मोर ऑफ अ पैप स्ट्राइकर इन यू नो फेवर ऑफ हारलैंड बिकॉज उसको पता है कि इन मॉडर्न फुटबॉल टू सक्सीड आई नीड अ स्ट्राइकर तो भाई कूड ऑस टू हिम बट चेल्सी के लिए आई एम नॉट फीलिंग दैट बैड एज इट इज द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन और वो हार रहे तो आई एम हैप्पी बिकॉज आई हेट दैट क्लब आई हेट दो लंडन ब्लू काई जस्ट कांट स्टैंड दैम देर फैन बिज एज वेल लेकिन भाई फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन है चैल्सी को अपने साथ इतना ज़्यादा यू you नो know, हार्श नहीं होना चाहिए और एक और चीज़ जो चैलसी ने गलत की जस्ट बिफोर अ रैपिप एक चीज जो चैलसी ने गलत की वॉज दे यू नो एडजस्टेड पालमर इन फेवर ऑफ द टीम जबकि पालमर ने हेज खुद को प्रूव कर दिया इतना कि ही डिजर्व टू बी द मेन गाय ऑफ द टीम तो भाई टीम को एडजस्ट करना पड़ेगा पालमर सेंट्रल एरियाज में ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है और उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते राइट right विंग पे जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू यू नो इंटेग्रेट एनकूकू ऑन लेफ्ट विंग और फर्नांडिस थ्रू द मिडल आपको भाई पालमर को सेंट्रल एरियाज में रखना पड़ेगा जहाँ पे वो परफॉर्म करता है बेस्ट ही नीड्स टू ब स्टार ऑफ दिस टीम दिस टीम नीड्स टू यू नो फॉर्म्ड अराउंड हिम और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर रियाल मडेड वर्सिस मयोर का पहला गेम था भाई लीग के अंडर इस ट्रायो का रोड्रिगो विनीशियस ट्रायो भी नहीं बोलूँगा क्वाडर रोड्रीगो विनीशियस एम्बापे और आपका बेलिंगम लेकिन भाई इट इडन वर्क पहली गेम वर्क मा का

एज वाई जे आर एस ऑन इस चैनल क्या मजदूरी किया भाई बैलिंगम ने कल बट भाई बैलिंगम को आई थिंक कार्ल इज गिविंग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आई डोंट नीट आई डोंट थिंक सो कि उसको अभी इतना फॉरवर्ड जाने की नीड है बिकॉज एम बापे इज इन द टीम पिछले साल नहीं था कोई भी इतना अच्छा गोल स्कोर लेकिन सिंस दैन विनीस प्रोवन इम सेल्फ एज अ रिलायबल गोल स्कोर उसके बाद एम बाप पे तो भाई उनके पास ठीक है लेकिन अब एम बाप पे आ गए तो बेलिंगम कोई करना नहीं चाहिए बट ऑन दी अदर हैंड यह आपका टॉप स्कोरर है भाई ला लीगा में या आपका वन ऑफ द हाइस्ट गोल स्कोर है पूरे लास्ट सीजन का तो हाउ कैन यू टेल हिम कि बस भाई तेरा गोल स्कोरिंग का काम हो गया अब तू ठीक है लेकिन जब बेलिंगम को भी आप बोल रहे हो कि तू जा अटैक कर तू पीछे भी भाग तो भाई अगर आप उसको इतनी रिस्पांसिबिलिटी देव तो लास्ट द दे फुल सीजन कल हम देख रहे थे बेलिंगम इतना आगे आग था और रेस्ट डिफेंस बिल्कुल पीला पड़ा था रियल मेडिड का ऑब्वियसली फर्स्ट इनिशियल वेव आ रही थी फेड प्रेस कर रहा था बेलिंगम पीछे भाग रहा था बट द मोमेंट दे आर ओपन भाई फिर तो वो काउंटर मार रहे रियाल को एंड दैट इज हाउ दे कंसडर्ड द गोल और भाई उन्होंने और भी ज्यादा चांसेस क्रिएट किए रेस्ट डिफेंस बिल्कुल टट्टी था तो एक चीज तो करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल कार्लो हैज टू बेंच जैसे ही कांट स्टार्ट ट्राइडेंट आजकल वर्क नहीं करते ठीक है तभी एमएसएन फेल हुआ था सॉरी एमएसएन बोल रहा हूं एम एन एम फेल हुआ था ठीक है पीएचडी में बिकॉज वेराटी था ठीक है वो भागता जैसे ही वो तीनों बॉल लूज करते बट वेराटी से अगर निकल रही है टीम पैराडाइस से अगर निकल रही है टीम तो यू आर फक्ट भाई कौन है बैक में कोई भी नहीं है ठीक है तो इसी रीजन से और रियाल मेडिट को इस पर वर्क करना पड़ेगा आई थिंक दे शुड गो विद द फ्रंट टू ऑफ एंड बापे बेलिंगम आपका फेडेवल वर्ड है आपका मॉडरेज आपका रेगुलर चुआ मेनी काम आवेंगे आपका पास इनफ मिडफील्ड ऑप्शंस है कि आप कुछ भी सिस्टम खेल पाओ डायमंड खेल पाओ आप व्रथ फैला दो पूरी मिडफील्ड में यू कैन प्ले एनी वे यू वांट बट दीज थ्री टॉप वॉन्ट वर्क फॉर द होल सीजन दे माइट वर्क सम टाइम तो भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा कार लोगों और भाई आई एल से दैट रियाल आर स्टिल द फेवरेट ऑल दो कार्लो ने कभी अपने इंडस्ट्रियस करियर में लीग रिटेन नहीं किया बट इट्स टू लीड टू सेन द लीग दे आर स्टिल द फेवरेट्स बेंच में उनके पास एंड्रिक पढ़ा बेंच पे उनके पास ब्राहिम डियास पढ़ा बेंच में उनके पास आर द गुलर पढ़ा ठीक है तो टैलेंट भर भर क्या कार्लो एंड चलॉट के हिस्प्रूवन और भाई विनीश से संपाप पे जितने भी आप इनको डाउट कर लो इंडिविजुअल क्वालिटी तो उनके पास भाई अलीट लेवल भाई तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज बट कल के परफॉर्मेंस में रोट डे डिसअपॉइंटेड लेकिन आई थिंक दिस वॉन्ट कंटिन्यू वी हैव टू गिव दिस प्लेयर्स टाइम कि वो जेल हो पाए इकट्ठे सो दैट वो अपने बेस्ट लेवल परफॉर्म पर कर पाए इकट्ठे हो गए और uh, सबसे बड़ी चीज भाई बैलिंग को यू हैव टू पिक अ रोल फॉर हिम उसका पूरे सीजन ये मज़दूरी नहीं करवा सकते एज सिंपल एज दैट इज टी इज यंग आई नो बट भाई गिव हिम अ ब्रेक और अब हम चलते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे आई नो एम लेट बट बार्सिलोना वॉन्ट टू वन अगेंस्ट वेलेंसिया हमारी फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन थी ऑफिशियली एंड दिस इज द किक स्टार्ट ऑफ यू नो हांजी फ्लैक एरा और भाई आई आई फेल्ट मिक्सड इमोशन आफ्टर द गेम बिकॉज फर्स्ट हाफ में इट वॉज अ मैस वी वर गेटिंग कुकड बाय वेन्ेंसिया वेलेंसिया हमारे थ्रू बिल्कुल मज़े से खेल रही थी देवर फाइंडिंग स्पेसिज देवर फाइंडिंग बिग बिग चांसजेस द स्टेगन ने यू नो एक बेहतरीन सेव कैन ईयर पोस्ट पे कुबारसी ने ऑफ द लाइन बॉल क्लियर किया और हमने गोल भी खाया फर्स्ट हाफ में तो वी वर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग इन द फस्ट हाफ लेकिन जो हमारी गोल्स की टाइमिंग थी ठीक है वी स्कोर एट द परफेक्ट मोमेंट्स हमने फर्स्ट हाफ के एंड में स्कोर किया वन वन था हमारे पास मोमेंटम था एंड सेकंड हाफ में हमने अर्ली स्कोर किया तो दोनों बॉडी ब्लोस थे वेलेंसिया के लिए ले, लेकिन भाई ऑल इन ऑल आप देखोगे एक game, game season, अवे गेम पहली गेम ऑफ द सीजन अवे स्टेडियम पे जाना वेलेंसिया के और वहां पे जीतना भाई इट्स गुड और लेमडोस की स्कोर टू गोल्स एंड ऑल आई नो दैट इज नॉट द सोल्यूशन ही इज ओल्ड इज अ जेरियाट्रिक। बट भाई उसको अब हमको एम्ब्रेस करना पड़ेगा सिंपल इस दैट हम हंसे रोए चूड़ियाँ तोड़ लें हिज आर स्ट्राइकर फॉर द होल सीजन और जितना वो फॉर्म में रहेगा जितना वो गोल स्कोर करेगा उतना अच्छा हमारे लिए एंड uh, भाई क्या बात करोगे आप लमीन या, माल के बारे में ही इज द गो टू गए एट सेवेंटीन फॉर अ क्लब लाइक एफ सी बार्सिलोना एंड हीजू नो परफॉर्मिंग दट रोल टू परफेक्शन उस पर जितनी रिस्पांसिबिलिटी है हीज़ एक्सीडिंग दैट इज फुलफिलिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सीडिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड भाई हीज अक्स स्टार कमिंग फ्रॉम बार्सिलोना टीम और आप देखते भाई रफीनिया को सेंट्रल रोल था ज़्यादा ही डिड वेल फेर एन लेफ्ट पे स्टार्ट किया था वॉज अ काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग चॉइस और बार्सिलोना के जो दो पीवेट्स थे बर्नालन कसार्डो आई थिंक दे वर गुड भाई ऑल इन ऑल दे वर गुड और भाई पीवेट की जो दिक्कत है वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट और फेर एंड टॉरेज वॉन्ट वर्क एज अ लेफ्ट विंगर हम सब ने देखा है वो शावी के फर्स्ट सीजन के अंदर तो भाई इट इज़ इट इज़ गुड विन आई एल से आई एम हैप्पी बट देर आर प्रॉब्लम्स जो हमारे को फिक्स करनी पड़ेंगी बोर्ड बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकता कि ओके okay, हमने फर्स्ट गेम खेली ली वी वॉन लेट्स मूव बट दे नीड टू डू सम वर्क दे नीड टू फाइंड सम मोर प्लेयर्स वी नीड टू मेक सम फ्यू मोर साइनिंग्स और भाई हमारे को चाहिए एक इंटेंस प्लेयर इंटेंसिटी जैसी टीम आगे वाली पुष्ट करती है भाई पिल जाते हैं फ्लिक का फुटबॉल जाना जाता है फॉर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फुटबॉल ठीक है और उस फुटबॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड रनर्स जो आगे भाग्य पीछे भाग्य वो चढ़े टीम पर बट जब लक्ट स्टडे हमारे अंदर तो पीछे भी भाग गए भाई ट्रैक बैक भी करे और अभी हमारे पास है नहीं इतनी फिजिकलिटी वी नीड टू साइन सम डॉग्स इन दिस टीम और तभी हम कुछ उखाड़ पाएंगे ठीक है एंड भाई क्या बोलो दैट इज ऑल भाई और क्या बोल मैं इट वॉज अ गुड गेम इट वॉज अ गुड रिजल्ट पहली गेम है अब कुछ एक्सपेक्टेशन ही है वी नीड टू गिव मोर टाइम टू हांजी फ्लिक ताकि वो इस टीम को ज़्यादा जाने ताकि वो टीम ज़्यादा अच्छी खेले बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दीज थिंग्स दैट हैपन यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे चेलसी लॉस्ट रान मर्डर ड्रॉप पॉइंट्स